everyone, welcome to Combine CS. In this video we are going to talk about looping construct. So what is looping? Loop se aap kya samajhte ho? Let us say humne ye ringa roses bana diya, hai na? It means it is a circle. It has one start and one end. This is a simple real life example of looping. Looping means suppose humne first program dekha tha hello world ka, correct? Humne hello world ka first program dekha. If I want to display this hello world on our console, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? प्रिंटफ यूज़ करेंगे, ठीक है? अब मैंने आपको यहाँ पे असाइनमेंट दिया कि आपको क्या करना है, जैसे बच्चों को देते हैं, आपको टेबल 10 times लिखना है, ठीक है? अब प्रिंटफ को आपको 10 times लिखना, तो आप क्या करोगे, इसी स्टेटमेंट को रिपीट कर दोगे 10 times. अब आपने पनिशमेंट ये मैं आपको दूंगी कि आपने इसको 10 times नहीं लिखा, आपने उसे 5 times लिखा कि मैम मेरा तो हाथ दुख गया, ठीक है? जैसे बच्चे करते हैं. तो मैंने आपको क्या असाइनमेंट दिया कि नाउ यू हैव टू राइट 100 times. फिर से आप 50 लिख के बोल रहे हो कि नो आई एम नॉट गोइंग टू डू एंड राइट 100 times. देन मैंने इसको बढ़ा के बोल दिया 50,000 times आपको लिखना है. तो आप क्या करोगे? यू वांट टू राइट प्रिंटफ आप 50,000 तक लिखिए. इसको मैंने बढ़ा दिया 5 lakh. सो एंड सो इस तरीके से मैं बढ़ाती चली जाऊँगी. इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग और नो? ऑब्वियसली इट इज़ नोन एज बैड प्रोग्रामिंग. क्यों बैड प्रोग्रामिंग है? क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग इज अ कॉन्सेप्ट जो हम इसलिए समझते हैं सो दैट कि आपका जो भी टास्क है उस टास्क को, उस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सको. ओके? एंड अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, एक सिंपल सा चीज़ है कि आपको हेलो वर्ल्ड 50,000 times प्रिंट कराना है, देन इसके लिए आपको लेस एफर्ट करने की ज़रूरत है और उसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए. तो कैसे करेंगे, कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट. सो दिस इज वॉट, दिस इज लूप इन सी प्रोग्रामिंग. अब लूप क्या है? ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू हैव सर्टेन सिंटैक्स एंड दैट यू हैव टू फॉलो. ओके? तो इन लूपिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लूप आर सेटिस्फाइड. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ ये समझना है कि अभी हमने ये एक प्रॉब्लम दिया कि दिस हेलो वर्ल्ड को आपको 5 lakh times तक प्रिंट करना है. तो फर्स्ट दिस इज द ऑल्दो दिस इज वेरी इजी टू डू, बट टू राइट अ सिंगल स्टेटमेंट 5 lakh times इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. ठीक है? अब इसको इजी करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऐसा सोचना पड़ेगा कि क्यों ना मैं इसी स्टेटमेंट को लिखूं और इसका एग्जीक्यूशन मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार एग्जीक्यूट करें, तो मैं उतने टाइम तक लिखने से बच जाऊंगा. ओके? अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपने यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा और वो कंटिन्यूस रन होता जा रहा है, तो यू माइट गिव अ टर्मिनेटिंग कंडीशन. आपको यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन देना पड़ेगा जिससे ये लूप क्या हो, सिंपल सा समझो, स्टॉप हो सके. किसी काम को अगर आपने स्टार्ट किया है, उस काम को स्टॉप करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो डैट इज़ द यूज ऑफ लूप. तो बेसिकली अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ऑलवेज स्टूडेंट ये आंसर देते हैं, अ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूट, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स देन वी आर यूजिंग लूप. ओके? सो दिस इज फाइन, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. बट यू मस्ट टेल इट. लूप का एक दूसरा यूज ये भी है कि यू हैव टू गिव अ सर्टेन, मस्ट बी अ क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए. वो क्राइटेरिया जब तक वो कंडीशन मीट हो तभी तक आपको लूप एग्जीक्यूट करना है. मतलब देयर मस्ट बी अ कंडीशन, नहीं तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रह जाएगा. तो अगेन ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट तक तो इनफाइनाइट, यू डोंट नो व्हाट इज इनफाइनाइट टर्म. तो देयर मस्ट बी सर्टेन फाइनाइट स्टेप कि उतने टाइम तक ही वो एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई कि लूप में आपका इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है. करेक्ट? नाउ इन अ प्रोग्राम लूप कंसिस्ट ऑफ 2 segments. तो व्हाट आर दैट 2 statements? अ बॉडी ऑफ लूप एंड अ कंट्रोल स्टेटमेंट. Why I am giving you the notes of this programming language? आप ये सोचोगे कि अरे कभी थ्योरी तो पूछता ही नहीं है. करेक्ट? तो मैम क्यों इतना पढ़ा रही है थ्योरी? तो मैं आपको बता दूँ, when I was doing my BCA, it was around 2004 or 2005. ठीक है? मैंने 2005 में जब BCA में कर रही थी, when I was in first year, तो all my colleagues were doing programming, lab में बैठते थे, बहुत अच्छा अच्छा programming करते थे. But जब हमारा semester examination हुआ, they asked us कि आप if के बारे में 5 marks में लिखो, अब 4 के बारे में 5 marks में लिखो. नाउ आप विश्वास नहीं करोगे, अगर मैं 40 to 50 स्टूडेंट की बात करूँ, इन माय गाइस देयर वाज 40 to 50 स्टूडेंट, इसमें से ओनली 3 students पास हुए थे. क्यों? क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट. आपको लिखना ही नहीं है, आज के ज़माने में कोई लिखना ही नहीं चाहता है.
तो ऐसा नहीं होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। आपने अगर लूप पढ़ा ना, एक लूप पढ़ा, तो यू मस्ट नो हाउ टू राइट थ्योरी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, यूनिवर्सिटी में आपको 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पूछते हैं, एंड आपको प्रोग्राम किस में पूछते हैं, प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं थ्योरी पे भी जोर दे रही हूँ, सो दैट कि यू मस्ट नो कि लूपिंग क्या होता है, उसमें टर्मिनेशन कंडीशन होना चाहिए, एंड अ प्रोग्राम लूप कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट, दैट इज बॉडी ऑफ द लूप एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। वन बाय वन मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, नाउ अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग 4 टर्म्स। क्या होते हैं वो 4 टर्म्स? फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, बॉडी। अरे यार कौन याद करेगा, बहुत मैम ने पढ़ा दिया, तो याद नहीं करना। यू नो, यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड आपके 3 टाइप्स के लूपिंग होते हैं, दैट इज फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर 5 मार्क्स का आपको यूनिवर्सिटी में लिखने को आएगा, तो आप इस तरीके से एक सिंपल सा एग्जांपल दोगे, दैट दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ओवरकम बाय यूजिंग लूपिंग। फिर लूपिंग क्या है उसका डेफिनेशन आपने दे दिया, देन आप इसका थ्योरी इस तरीके से लिखोगे एंड टाइप्स बताओगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल दोगे। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरीके से लिखने की आदत डाल दी ना, तो आपको यूनिवर्सिटी टॉप होने से कोई रोकेगा नहीं। दिस इज हाउ कि आपको यूनिवर्सिटी के राइटिंग मजबूत होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉर लूप स्टेटमेंट। अब फॉर लूप इज वेरी इजी, एंड ज़्यादातर आपके इंडस्ट्री में फॉर लूप का ही यूज़ होता है, बिकॉज दिस इज वेरी फ्रेंडली। तो फॉर में हम क्या करते हैं, जो आपने वहाँ पे 4 पॉइंट्स देखा था, दिस इज अ जनरल सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, दैट इज कि अगर हमें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ओके, तो हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट करना है, तो वो आप कंडीशन में दोगे। और प्रिंट करना है तो कहीं ना कहीं इसका स्टार्ट पॉइंट होगा, दैट स्टार्ट पॉइंट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। अब मुझे हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट करना है, तो 50 टाइम्स प्रिंट करना है, तो कंडीशन में मेरा क्या आएगा, ये 50 टाइम्स तक लूप चलना चाहिए, एंड उसके बाद आपका ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वो इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट इन द सेंस, व्हाट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फॉर लूप इज, फर्स्ट आपका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस, देन आपका कंडीशन चेक होगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन ओनली, आप देखो ये मत भूल जाना कि आप यहाँ पे आपके ब्लॉक्स लिखे हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगा देन ओनली आपका ये थर्ड स्टेटमेंट बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आप सिंपली प्रोग्राम में इस स्टेटमेंट पे आ जाओगे, ठीक है। एंड जब आपका ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से कंडीशन जाएगा, फिर से यहाँ पे अपडेट होगा। अपडेट मीन्स आइदर हियर इट विल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब कि अगर मुझे हेलो वर्ल्ड मैंने 1 टाइम प्रिंट किया, नेक्स्ट टाइम प्रिंट करने के लिए ऑब्वियसली जो वेरिएबल होगी, उस वेरिएबल में आप क्या करोगे, अगर आई की वैल्यू 1 है, तो आपको इसको इंक्रीमेंट करके 2 करना है, डेट इज आई प्लस 1। तो फिर से यहाँ पे आपका ये इंक्रीमेंट हुआ, फिर से कंडीशन चेक होगा, डेट इज दिस इज स्टेप नंबर 4, अगेन दिस इज स्टेप नंबर 5, फिर से आपका ये स्टेप नंबर 6 होगा, फिर से ये 7 होगा, और इस तरीके से आपका ये कंटिन्यूसली डेट इज 8 चलता रहेगा। लेट मी क्लियर वंस अगेन वन स्लाइड, एंड लेट मी गिव यू अगेन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, द इनिशियलाइजेशन इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट सेट्स द लूप कंट्रोल वेरिएबल बिफोर एंटरिंग द लूप, ओके। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लेना अपने नोट मेकिंग में, जो इनिशियलाइजेशन होता है ओनली ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके। द कंडीशनल टेस्ट इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, रिलेशनल मतलब कि सपोज इफ आई हैव रिटन आई इक्वल्स टू 1, तो आई ये कितने टाइम तक प्रिंट होगा, 5 टाइम्स, तो आई की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो पहले आपने इनिशियलाइज किया किसी वेरिएबल को, फिर आपने कंडीशन चेक करी, इफ कंडीशन इज ट्रू देन आपका बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, देन इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, ये अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, उसके बाद फिर से आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, अगेन फिर से यहाँ पे अपडेट होगा, एंड दिस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो आपका चलता रहेगा। सो दिस इज हाउ, दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा, तो अभी के वीडियोस में वी आर बेसिकली कवरिंग द सिंटेक्स एंड वी आर सीइंग द कॉन्सेप्ट। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आफ्टर कवरिंग द ऑल द स्टेटमेंट, हम इसके बाद इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ओके। एंड इफ यू आर फीलिंग एनी डाउट, इफ यू हैव एनी सजेशंस ऑल्सो, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन इन दिस वीडियो इट्सेल्फ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू so much.